चार साल बिल में घुसा हुआ, जाके इतना ही मर्द है, यहाँ पे आए मुकाबला करे डट के। सानू रोटी खान मिलती नहीं तो लंदन महल बनाना है। इनको तो बुखार होता है तो लंदन में आग जाते हैं, ये क्या मुकाबला करेंगे हमारे लीडर का। ये लंदन में महल बनाने वाला टिकट है, पटवारी हैं, उनको चाहिए गैरत खा लें, वो गैरत करें कुछ। अभी भी आप मानने को तैयार नहीं है कि ये चोर लुटेरे हैं। वो दुबई में डॉलर पहुंचाने वाला जलदारी टिकट है, सीरियस नहीं लेते अभी लावल साहब को। वो बच्चा है, उनको क्या सीरियस लेना। DS डिजिटल टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। शेरो शायरी के लिहाज से आप बड़े मशहूर हैं, तो हमें भी कोई शेर शुर सुनाएं सर। आप भी सुन ले मियाँ, तेरा शेर नहीं जितना, मियाँ तेरा शेर नहीं जितना, हर पासे होई महंगाई है, मियाँ तेरा शेर नहीं जितना, हर पासे होई महंगाई है। तू ते आटा सस्ता करना सी, और तू ते आटा सस्ता करना सी, पर वड्डी लुट मचाई है, मियाँ तेरा शेर नहीं जितना, हर पासे होई महंगाई है। और सानू रोटी खान नू मिलती नहीं, और सानू रोटी खान नू मिलती नहीं, तू लंदन महल बनाना है, कर कर के ठगिया धोखे तू सारे डालर बाहर पहचाना है, मियाँ तेरा शेर नहीं जितना, हर पासे होई महंगाई है। तू ते आटा सस्ता करना सी, पर वड्डी लुट मचाइए। असी अपना खान लियावांगे इंशाअल्लाह ताला, असी अपना खान जितावांगे, असी अपना खान जितावांगे, मोर बल्ले उत्ते लावांगे, तेरे किसे भी जाल च फसना नहीं, असी खान नाल यारी लाई है, मियाँ तेरा शेर नहीं जितना, हर पासे होई महंगाई है। तू ते आटा सस्ता करना सी, पर वड्डी लुट मचाइए। तो खान साहब को कब से सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं 2007 से कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह है खान साहब को सपोर्ट करने की? खान एक सच्चा लीडर है, बहादुर लीडर है, ईमानदार लीडर है। ये चोर हैं, लटेरे हैं, डाकू हैं, ये डकैत तो बड़े छोटे होते हैं, जो डकैती करता कोई 10 लाख की 20 लाख की, इस तरह की सुनते हैं ना आप तो मीडिया वाले हैं, तो इस तरह ये अरबों डॉलर की टिकटियाँ, पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले ये टिकट है, ये लंदन में महल बनाने वाला टिकट है, वो दुबई में डॉलर पहुँचाने वाला जलदारी टिकट है, वो मौलाना फजल रहमान डीजल टिकट है, ये जितने भी 500-600 जो पार्लियामेंट हाउस में जाके बैठते हैं चोर चके, ये सारे टिकट है। मैं अलानिया कहता हूँ ये सब टिकट है, अगर ये टिकट ना होते तो डॉलर 10 रुपये का होता, अगर ये टिकट ना होते तो आटा 30 रुपये के जी होता, ये टिकट ना होते तो पेट्रोल 10 रुपये लीटर होता, ये सब के सब टिकट है इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि अगर आपके पास दो ऑप्शन हो कि नवाज शरीफ को लीडर मानना, दूसरे नंबर पे मौत हो, तो आप किसको चूज करेंगे? मैं तो मौत को कबूल करूंगा। ये चोरों को वोट देना भी ऐसे ही है जैसे हम खुद चोरी करने चले गए, अगर चोरों को ही वोट देना तो हम खुद ही चोरी कर लेते हैं, इनकी सपोर्ट करने का क्या फायदा, इन चोरों की सपोर्ट करने से बेहतर तो मौत ही है ना यार। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। DS डिजिटल टीवी से मैं तलहा सुलहरी हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राय अपनी अपनी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं जमान पार्क में कप्तान की रहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे मामूर जो खिलाड़ी हैं उनकी खिदमत में उनसे सवालात करता हूँ, आप मेरे सवालात और उनके जवाबात मुलाहजा फरमाएँ। सर, वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि इमरान खान चूहा है और जब पुलिस पकड़ने आती है तो बिल में घुस जाता है। पहले तो मैं मरियम औरंगज़ेब से कहना चाहता हूँ कि आपको जेब नहीं देता ऐसी बातें करना। आप एक खातून हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ये जो गंदी बातें करती हैं ना, इनसे उनको गुरेज करना चाहिए। अगर हम ऐसी कोई बात करेंगे, हम तो ऐसे वर्कर हैं, लेकिन हमारे मुँह से कोई ऐसी बात निकल गई तो हम तो निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे उसके लिए। लेकिन बिल में घुसने की बात है, वो तो यहाँ पर बैठे हुए हैं खान साहब, वो बिल में नहीं घुसे, बिल में तो यही घुसते हैं जाकर लंदन बैठे हुए हैं, ये बिल में घुसने वाली बात तो उनको देखनी चाहिए कि चार साल बिल में घुसा हुआ जाके इतना ही मर्द है, यहाँ पे आए मुकाबला करे डट के। खान साहब तो यहाँ पे बैठे हैं, वो तो अपने शहर लाहौर में बैठे हैं, उनकी मतलब के निगरान हुकूमत भी उनकी है, तो आ जाए मुकाबला करें, वो डट के खड़े हैं यहाँ पर, हम भी डट के खड़े हैं, बिल में घुसने की तो ये बात ही नहीं है। सर, मरियम साहिबा ये कहती हैं अपने नवाब नवाज शरीफ को रिक्वेस्ट करती हैं कि आप थोड़ी सी बहादुरी जो है ना इमरान खान को दे दें, बड़ी उन्होंने आज जाना अपील की अपने बाप के आगे, तो ऐसी कौन सी बहादुरी है नवाज शरीफ साहब के पास जो वो इमरान खान साहब को दे सकते हैं? उनके पास यही बहादुरी है कि वो बिल में घुस जाते हैं। हाँ।
झूठ बोलना तो इनकी फितरत में लिखा हुआ है। चोर, ये चोर डाकू लुटेरे ये खान साहब को नहीं आते। हम उनके साथ कोई बहादुरी ना करना चाहते हैं ना हमें करने की ज़रूरत है। हमें पता है कि हमारा लीडर बहादुर है, उम्मत मुसलमा का वो लीडर है, तो हमें तो फ़ख्र है कि हमारा लीडर इधर पाकिस्तान में ही है। उनको तो चार चार गोलियां लगी हैं लेकिन वो पाकिस्तान में ही है। इनको तो बुखार होता है तो लंदन में आग जाते हैं। ये क्या मुकाबला करेंगे हमारे लीडर का? इनके साथ कंपैरिजन करना भी हमारे लीडर की तोहीन है। सर, क्या वजह कि आप दिन रात, आप और आपके जो बाकी कारकुनान हैं वो खान साहब की खिदमत पर मामूर रहते हैं उनकी हिफाजत के लिए, क्या वजह? सर देखिए जी, ये एक हमें अनमोल हीरा मिला है पाकिस्तान में। क्या दुनिया में भी ढूंढेंगे तो ऐसा लीडर कभी पैदा ही नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो ये हमें अनमोल हीरा मिला है। अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे तो सारी ज़िंदगी के लिए हम लावारस हो जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें गुलाम बन जाएंगी। तो मेरी तो दरख्वास्त है, ये जो हमारे मतलब के सारे दोस्त हैं उनको भी चाहिए, ये जो पटवारी हैं उनको चाहिए गैरत खा लें, वो गैरत करें कुछ। अभी भी आप मानने को तैयार नहीं है कि ये चोर लुटेरे हैं। खान साहब हमारे उम्मत मुसलमा के एक नाडर लीडर हैं, ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है। दुनिया के 57 मुल्क पाकिस्तान उम्मत मुसलमा के जो 57 मुल्क हैं वो खान को अपना लीडर मान चुके हैं, इनको कौन मानता है? अभी भी शहजादा सुलेमान साहब की जो मोहम्मद बिन सलमान की ट्वीट हो रही थी कि खान साहब अभी भी उनके साथ रबते में हैं, वो तो दुनिया के चाहती है कि खान साहब दोबारा हुकूमत में आए ताकि उम्मत मुसलमा को एक नई ताकत मिले, यही तो वो लोग भी चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ये एक अनमोल ही रहे, हम इसकी कदर करते हैं। अगर ये इनके तरफ कोई मैली आंख से भी देखेगा तो हम तो उनकी आंखें निकाल देंगे इंशाल्लाह। सर, ग्राउंड रियलिटीज़ यही है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, तो क्या खान साहब वो काम कर पाएंगे कि ताकतवर को कानून के कटहरे में ला पाएंगे? क्या पहली मिसाल तो आपके सामने कटहरे की लंदन में बैठी हुई है, जब तक हमारी हुकूमत रही है वो वापस नहीं आया, बल्कि ये भी NRO इनको भी नहीं देने थे, ये दवाइयों के बहाने बीमारियों के बहाने लेके जिनको NRO मिल गया था वो चले गए थे। अभी दोबारा हुकूमत आ गई तो अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इंशाल्लाह। खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं इनके साथ। इस मामले पे चोरी जो की है, इन्होंने मुल्क का पैसा खाया, इस पर तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो हमारे खान साहब इंशाल्लाह पहले प्राइम मिनिस्टर बनने, इनको बताएंगे जो जो जुल्म इन्होंने किया है इधर पंजाब में पाकिस्तान में हमारे वर्करों के साथ, इनको सारी की सारी दुगनी मिलेगी इंशाल्लाह, ये वापस देंगे ज़रूर इंशाल्लाह। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी है, पंजाब असेंबली के जो इलेक्शन होने हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि इस तारीख पर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? मौलाना साहब का तो तल्लक ही नहीं है सियासत के साथ, उनकी क्या हैसियत है मुझे बताएं आप? वो सिर्फ बातें करते हैं, वो इतने मर्द है तो इधर आए तो सही, इलेक्शन करवा के तो देखें मर्द बने। इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, कौन सा कह रहे हैं हमें डायरेक्ट वजीर आजम लगा दें इलेक्शन में, हमारा मुकाबला करें आके। अगर उनके पास बहुत वोट बैंक है या बहुत कुछ ताकतें हैं तो इस्तेमाल करके देख लें, इलेक्शन करवाएं, पता लग जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, आपने जेल भरो तहरीक में हिस्सा लिया था क्या? बिल्कुल लिया था, हमने फैसलाबाद में से, हमारा ताल्लुक है फैसलाबाद में, जब अनाउंसमेंट हो गई थी सबसे पहले हमारी उधर से गिरफ्तारियां, हमारे लीडर्स तैयार खड़े थे, वैगने आ चुकी थी, लेकिन उसी वक्त हमारे जो जेल भरो तहरीक के कोऑर्डिनेटर लगाए थे खान साहब ने, एजाज चौधरी साहब, उन्होंने ट्वीट कर दिया और दूसरा फ़ोन करके कहा भी फैसलाबाद में अब गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका था। वरना हमारे तो हर शहर में लाखों कारकुन निकल रहे हैं जेल भरो तहरीक में, हमारी तो बड़ी कामयाब तहरीक थी, ये सिर्फ ऐसी एक आधी वैन ले आके खड़ी कर लेते थे, आओ ऐलान करने लग पड़ते थे, बस इनको ये ही मिला, लेकिन लेके किसी को नहीं गए। अगर लेके जाते थे तो थोड़ी देर बाद आगे जाके कहते थे हमारी वैन से पेट्रोल ख़त्म हो गया यहाँ से उतरें, लेकिन हमारे कारकुन उनको कहते थे हम डिलवा के देते हैं पेट्रोल, हमें ले के चलें, ये इतने बहादुर हैं। बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि ये जो मर्दमशुमारी हो रही है अगर ये सही ना हुई तो हम हुकूमत से जुदा हो जाएंगे, क्या ये आपको लगता है सियासी बयान है या सच्ची में वो जुदा हो जाएंगे हुकूमत से? उनका जुदा होना बनता भी है क्योंकि उनका तो शुमार ना मर्द में है ना औरत में है, तो उनका शुमार होना बनता ही है, ठीक है, उनकी तो बात भी ना करे।
उनके जिंदाबाद उनके बस की बात नहीं है, उनको को बोले बाप को भेजे वो बात करे, इन बातों में उनकी बात हम सुनते भी नहीं है। मतलब सीरियस नहीं लेते बिलावल साहब को, वो बच्चा है उनको क्या सीरियस लेना। नहीं, आपके तो एज फैलो होंगे ना। एज फैलो है लेकिन वो उनके जो अंदर जो जरासीम है वो एज वाले नहीं है। जी तो नाज़रीन कराम, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज के प्रोग्राम से तलहा सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।